किसी ने कभी ना कभी की हैं, इनके लिए अवेयर होना। आपको लगता है कि अगर पेनल्टी बढ़ा दी जाएगी तो उसी से हो जाएगा सब, या मानसिकता बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी? मैम मतलब आजकल जब आप देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे हैं, तो आई थिंक दोनों चीजों की जरूरत है। कि अभी तक जैसे जो फाइन्स लग रहे थे वो काफी, कई लोगों के लिए वो काफी, उनका जो अमाउंट था वो ज्यादा नहीं था, तो उनके लिए ये था कि अगर पकड़ भी लिया जाता है तो भी क्या, मैं 50 या 100 रुपए आराम से दे दूंगा। बट अभी अगर जब उनको 10 गुना बढ़ा दिया गया है, तो अगर 5 से 10 गुना उस अमाउंट को देखा जाए कि अब 5,000-10,000 फाइन लग रहा है, और अगर आप ड्रंक एंड ड्राइविंग में 3 बार पकड़ लिए जाते हैं, आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, तो जेल भी, कुछ कुछ प्रावधान ऐसे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के युवाओं के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, जो अभी कॉलेज जा रहे हैं या जो स्कूल में 11th या 12th में है और अपनी स्कूटी चला रहे हैं, उनके लिए 5,000 या 10,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। तो आई थिंक ये थोड़ा सा चेंज लाएगा, बट एट द एंड आई थिंक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, फाइन्स भी कुछ नहीं कर सकते, अगर लोग अपनी सुरक्षा और अपनी जिंदगी को अपने हाथ में और सेफ नहीं रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, स्पीडिंग या रेसिंग। स्पीड तेज कर लेना और फर्राते से भगा कर ले जाना गाड़ी को, ये जो एक स्वैग जिसे शब्द दिया जाता है, ये युवाओं में किस तरह आप कम करने की कोशिश करते हैं? जो आपने बताया कि इसको स्वैग कहा जाता है, और ये एक यूथ में ही होता है। जैसे ही अमर ने बताया कि कार मिलती है, बाइक मिलती है, एंड पेरेंट्स भी देते हैं बिकॉज आप कॉलेज जा रहे हैं, आपके पास होनी चाहिए कार, बाइक होना चाहिए, बट कोई भी पेरेंट इसलिए नहीं देता कि आप चाहिए 100 की स्पीड पर चलाइए। तो हम यही इंश्योर करें कि कैसे युवाओं को सिखाया जाए। एक चीज हमें मानसिकता में ये बदलने की जरूरत है। अभी युवाओं को क्या लगता है कि मेरे साथ नहीं होगा, एक्सीडेंट हो रहे हैं, 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं होगा, क्यों होगा? तो ये चीज सबको इंश्योर, हम यही चीज सबको समझाना चाह रहे हैं कि ये बहुत बहुत जरूरी है समझना कि एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ एक के बारे में, एक को प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर एक यूथ का एक्सीडेंट हो रहा है तो सिर्फ वो उसका विक्टिम नहीं हुआ, उसकी पूरी फैमिली है जो उस पर रिलाय कर रही है। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मेरा एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, मेरे पीछे मेरे माँ बाप, मेरी बहन, जो मेरे लिए, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है, जो अब मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मेरा एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, ये मेरे पूरे परिवार को हर्ट करेगा। अमर, एक एजुकेटेड ड्राइवर जरूरी नहीं है कि स्किल्ड ड्राइवर हो। ऐसे में जिस तरह की नई तकनीक आ रही है, नई तरह की गाड़ियां आ रही हैं, उनकी जानकारी भी युवाओं को पूरी नहीं होती है, तो उनके स्किल डेवलप हो जाएं। लाइसेंस नियमों का जरूरी है, वहां अगर मिलेगा तो पालन होगा, लेकिन जानना, परिवार में बिना लाइसेंस की गाड़ी लेकर निकल जाना, स्किल्ड होना कितना इंपॉर्टेंट है और आप किस तरह मदद करते हैं उसमें? स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझना कि गाड़ियों के क्या फीचर्स हैं, कैसे उनको यूज करना है। आजकल जैसे अभी भारत में ग्लोबल एनकैप एक है जो रेटिंग करते हैं गाड़ियों का, तो उन्होंने बताया कि हर गाड़ी के क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, कौन सी सबसे सेफ गाड़ी है लोगों के लिए, तो उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आपकी गाड़ी में सेफ्टी प्रोविजन हैं कि नहीं है। और हम लोग जैसे इंडियन रोड सेफ्टी कैंपेन में हम लोग ये करते हैं कि जितने भी ऐसे व्हीकल्स हैं, जितने उनके क्या सेफ्टी प्रोविजन है, और लॉज जो जैसे सबसे ज्यादा स्किल्ड है कि आपको पता होना चाहिए। तो हम लोगों को एक चीज ये लगती है कि एज अ यूथ अगर हमें पता ही नहीं है कि क्या लॉज है, रेगुलेशन है, तो हम उन्हें कैसे फॉलो करेंगे? काफी लोगों से हम बात करते हैं, बच्चों से, तो वो यही बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये अलाउड नहीं है। तो इसलिए हमने जो मिस्टर नितिन गडकरी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ मिलकर काफी ईजी और सरल वीडियोज बनाए इन लॉज के बारे में, ताकि उससे बच्चों को पता चल पाए कि क्या लॉज हैं जो फॉलो करने चाहिए और उनसे क्या फाइन्स लग सकता है। और हमें ये बेसिकली हम ये चाहते हैं कि कैसे जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनको भी हम जैसे पेट्रोल पंप पे, हाईवेज पे हम रीच आउट करते हैं और उनको समझाते हैं एक सरल भाषा में कि ये आपके प्रोविजंस हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, और अगर आप इमरजेंसी में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, कैसे नियरेस्ट हेल्प को रीच कर सकते हैं। तो आई थिंक इसकी वजह से काफी एक्सीडेंट या एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, जो आगे जाके एक्सीडेंट रिडक्शन में हेल्प करेगा। दीपांशु, सड़क पर उतरते हैं अवेयरनेस के लिए, बहुत से लोग मिलते होंगे, और हर किसी को जब वो गाड़ी चला रहा है तो अपनी मंजिल तक जाने की जल्दी होती होगी, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता हो और लगा कि नहीं, मैंने आज अगर अपना समय दिया है सड़क पर तो वो सफल रहा है? हाँ, कई बार ऐसा लगता है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में लगता था कि क्यों कर रहे हैं, लोग नहीं समझेंगे। उसके बाद जैसे लोग साथ में आने लगे, तब लगा कि नहीं, कुछ बदलेगा, हम कर सकते हैं। ऐसे ही एक इंसिडेंट था, आजकल हम सब देखते हैं कि लोग हेलमेट नहीं, हम बात करते हैं हेलमेट ना पहनने की, तो पिलियन राइडर भी आजकल हेलमेट नहीं पहनते हैं हर जगह। पिलियन राइडर में अगर मैं बात करूं महिलाओं की,
तो वो खास करके हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो ऐसे ही एक सामना हुआ था मालवीय नगर में एक बार किसी से, वो खुद हेलमेट पहन रखा था पर उनके पीछे उनकी वाइफ बैठी थी जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। तो सिर्फ हमने बोला कि हेलमेट पहनना चाहिए, हम ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स करते हैं जिसमें हम रोड पे जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं ताकि उनको समझ आए चीजें, ना कि पिनलाइज किया जाए। तो ऐसे में ही बताया उन्होंने कि ये क्या करेंगे पहन के। तो तब लगा कि क्या आपका सर ज्यादा मजबूत है उनसे, जरूरत सबको है। तो और ये जानकारी है, फिर भी इस जानकारी के बिना आगे हम चले जाए। महिलाओं का सर भी उतना ही नाजुक है जी, उन्हें तो बहुत जरूरी है अगर जो पीछे बैठा है वो हेलमेट जरूर पहने। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने अमर बहुत काम किया, सड़क पर आप फिजिकली उतरते हैं, काम करते हैं, कुछ नुक्कड़ नाटक किसी तरह की कोई आप वर्कशॉप्स वगैरह भी चलाते हैं इसके लिए? सो बेसिकली एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था तो हम काफी यूथ से मिले और हमने सोचा कि उन्हें कैसे बताएं कि रोड सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। तो हमने सोचा कि हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और लेक्चर्स करवाते हैं जिससे उन्हें पता चले। बट कई लेक्चर के बाद हमने देखा कि बच्चों को ये हो रहा था कि वो बोर हो गए और उनको ये हुआ कि जितना हम समझाना चाहते थे उतना नहीं समझ में आया। तो हमने इसीलिए हमने सोचा कि क्या ऐसा कुछ इंटरैक्टिव हम प्रोग्राम कर सकते हैं जहां बच्चे प्लेस नाटक के दौरान सीखें कि रोड सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। तो हमने काफी ऐसे नाटक, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनसे हमने रीच आउट किया, स्पेशली अस्मिता थिएटर एक ग्रुप है काफी अच्छा, उन्होंने हमारे लिए विदाउट एनी कॉस्ट उन्होंने पूरे दिल्ली अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में जाके प्लेस किए जो बच्चों को काफी अच्छे लगते हैं कि एक कोई नाटक हो रहा है चल के देखते हैं और उससे अगर उनको मैसेज मिले तो और जिसमें मैसेज में ये बताया जाए कि हेलमेट के साथ भी आप कूल लग सकते हैं, आप स्वैग इक्वली होता है आपका, कैसे आपको दोस्तों को रोकना चाहिए अगर वो ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहे हैं सीट बेल्ट नहीं लगा रहे। तो ये हमने स्टार्ट किया, इससे काफी हमें मतलब यूथ ने ये बोलना शुरू किया कि अगर लेक्चर कराए तो हमें शायद इतना इंटरेस्ट नहीं आता कि रोड सेफ्टी में क्या करना चाहिए क्यों, बट अगर स्ट्रीट प्लेस देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, हमने काफी शॉर्ट मूवीज डेवलप करी, उससे काफी फायदा हुआ। और दूसरा, जैसे आप वर्कशॉप्स की बात कर रहे थे, तो हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए सर्वे किया जिसमें पता चला कि 60% ऑफ 1.5 लाख लोगों की जो जान जा रही है बच सकती है अगर उन्हें इमरजेंसी केयर मिले विद इन द गोल्डन आवर, जो एक आवर होता है, एक घंटा होता है आफ्टर द एक्सीडेंट। तो हम काफी युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वो सीखें कि कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्स देना चाहिए अगर वो आसपास कोई एक्सीडेंट देख रहे हैं, बिकॉज आजकल के लोग आप देखेंगे एक्सीडेंट होता है तो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर उन वहां पे जो विक्टिम है उसको हेल्प कर पाए, एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्स दे पाए, इमरजेंसी केयर बहुत आसान होता है सीखना, 2-3 घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो हम अलग अलग सिटीज में जाके कंट्री में ट्रेन करते हैं युवाओं को कि क्योंकि वही है जो आप इनवाइट करते हैं, किसी स्कूल को टारगेट करते हैं, कॉलेज को करते हैं, किस तरह अप्रोच करते हैं? सो बेसिकली मैम हमारे साथ जो कॉलेजेस जुड़े हुए हैं, तो अराउंड 1500 कॉलेजेस हैं जो पूरे भारत में हमारे साथ काम कर रहे हैं। उसमें कुछ कॉलेजेस के एक्चुअली लोग होते हैं, बच्चे जो डॉक्टर्स होते हैं या डॉक्टर बनने वाले होते हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आसपास के 5 कॉलेजेस में, बस 5 कॉलेजेस में एक साल में जाएं और उनको ट्रेनिंग दें। तो जो भी हम कर रहे हैं वो यूथ के माध्यम से ही हो रहा है, इन्हीं यूथ में कुछ डॉक्टर्स हैं और उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो, क्योंकि बच्चे आसपास में जानते हैं तो आसपास के कॉलेजेस में क्या चल रहा है कैसे, तो वो खुद टाइम लेते हैं और खुद जाके ट्रेनिंग देते हैं, और जो दूसरे इंजीनियरिंग या लॉ स्टूडेंट्स हैं वो अटेंड करते हैं कि कैसे एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना चाहिए। क्योंकि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना सिर्फ एक डॉक्टर का काम नहीं है, हम सब लोग हमें सीखना चाहिए, और अगर हम देख रहे हैं सड़क पे कि कोई एक्सीडेंट विक्टिम है तो हमें आगे बढ़ के हेल्प करना चाहिए। स्कूल के बच्चों तक दीपांशु जब पहुंचते हैं तो क्या ऐसा लगता है ये बच्चे काम करेंगे अपने पिता को समझाने का भी? जी हाँ, बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज का, क्योंकि अब हम जब कॉलेजेस के साथ काम करना शुरू करा तो समझ आया कि कॉलेज के बच्चे जो कि 23 साल के हो गए हैं, जो कि 20 साल के हो गए हैं, वो ऑलरेडी एक ट्रेंड फॉलो करते आ रहे हैं। अगर मैं हेलमेट शुरू से नहीं पहन रहा 20 साल में तो आप लोगों को मुझे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तब एक चीज समझ आई कि इट्स बेटर टू कैच देम यंग, आप जितना जल्दी उनको समझा पाए। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम मैं बताना चाहूंगा जो स्कूल के बच्चों के साथ हमने किया था। जब स्कूल में आप बच्चा पढ़ रहा होता है तो पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है जिसमें बुलाया जाता है पेरेंट्स को और मार्क्स दिखाए जाते हैं कि आपके बच्चे ने ये गलत करा, आपके बच्चे ने ये सही करा, जिस दिन बच्चे बहुत नर्वस होते हैं। ऐसे ही हमने क्या करा, एक डिस्क्रीट कैंपेन जिसमें बच्चों से पेरेंट्स को रेट करवाया उनकी ड्राइविंग हैबिट्स को, जिसमें बच्चों ने कहा नहीं मेरे पिताजी सीट बेल्ट पहनते नहीं है, हाँ पहनते हैं, हाँ स्पीडिंग करते हैं, हाँ डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग करते हैं, और उनके पेरेंट्स को नहीं बताया। अगली बार जब वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए तो बच्चों के हाथ से ही उनको वो रिपोर्ट कार्ड दिलाया, तो कुछ पेरेंट्स इतने शॉक्ड थे कि क्या मेरा बच्चा ये नोटिस कर रहा है, क्या मेरा 6 साल का बच्चा ये नोटिस कर रहा है।
तो एक चीज ये उनके लिए बहुत मैसेज था कि वो जो करेंगे वही उनके बच्चे आगे जाके सीखेंगे। अगर बच्चा देख रहा है आप ट्रैफिक लाइट जंप कर रहे हो, अगर बच्चा देख रहा है कि आप किसी विक्टिम की हेल्प नहीं कर रहे हो, आप हेलमेट नहीं पहन रहे हो, तो कल को वो भी यही करेगा। और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, तो उसके लिए उनको, हर बच्चे के लिए पेरेंट रोल मॉडल होता है। माध्यम अगर प्रभावी हो तो बहुत असर करता है, बातें तो वही रहती हैं। अमर, कितने लोग जुड़ चुके हैं एनजीओ के साथ? हम अभी तक अराउंड 40,000 युवा हैं जो हमारे साथ दिन ब दिन काम कर रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। तो उन लोगों के साथ हमने मिलकर बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज किए हैं। कुछ IITs, IIM, सारे कॉलेजेस अब हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और क्योंकि हमारे साथ गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है, तो आई थिंक हम अग्रसर हैं कि टूवर्ड्स की हमारा जो विजन था कि हर एक स्कूल और कॉलेज इससे जुड़े और काम करे, तो वो धीरे धीरे हमें कम्प्लीट होता दिख रहा है। अगर दीपांशु हम बात करते हैं नेशनल हाईवे की, आप मेट्रो में अगर चला रहे हैं, रोड है, आपको मिलता ही नहीं इतना स्पेस, ट्रैफिक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ तैयारियां होनी बहुत जरूरी हैं। तो इसके लिए किस तरह से आप अवेयर करते हैं लोगों को? जी हाँ, आपने सही बताया कि सड़कों पे और नेशनल हाईवे में बहुत फर्क रहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। नेशनल हाईवे पे जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं कमर्शियल ड्राइवर्स के, जिसके बहुत सारे कारण हैं, जिसका एक कारण सबसे बड़ा है फटीक, कि ड्राइवर थक जाते हैं। बट क्या करें, लंबी जर्नी है, दिल्ली से वेस्ट बंगाल की जर्नी है, करना है। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। हम ड्राइवर ट्रेनिंग करते हैं जिसमें हम समझाते हैं ड्राइवर्स को कि आपको कितने घंटा ड्राइव करना है और ड्राइव के बाद आपको कितना रेस्ट लेना है, उस रेस्ट के बीच में आपको क्या करना है ताकि आप फिर से फ्रेशअप होकर चला पाएं। इसके लिए हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी करते हैं। सो IIT का इनिशिएटिव है, तो इसमें एक चीज हम बहुत इंश्योर करते हैं कि कैसे चीजों को और एफिशिएंट बनाया जा सकता है टेक्नोलॉजी के यूज से। बिकॉज आज हम कमर्शियल चीजों की बात करें, कॉर्पोरेट चीजों की बात करें, तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुका है। हम AI, हम वर्ल्ड लीडिंग बनते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, बट अभी भी जब इम्पैक्ट सेक्टर की हम बात करते हैं तो हम थोड़ा पीछे हैं। तो यही हम इंश्योर कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी से इन हाईवेज पे कैसे स्पीडिंग, बिकॉज ज्यादातर एक्सीडेंट स्पीडिंग की वजह से होते हैं, या ड्राइवर थक गया तो हाईवे पे ही साइड में पार्क कर दिया, अब पीछे से बैंग हो गया। तो काफी सारी चीजें टेक्नोलॉजी के उस पर भी करते हैं हम। टेक्नोलॉजी भी रिच होना चाहिए, आपको अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो। अमर, महिला ड्राइवर अगर उनकी बात करें, वो रेशियो देखें, तो एक्सीडेंट कम है? महिला ड्राइवर्स के एक्सीडेंट कम है, और काफी बार हमने ये भी देखा है कि वो शायद ज्यादा रूल्स को फॉलो करते हैं और वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कि जैसे एक एग्जांपल है, अभी हम बैंगलोर गए हुए थे किसी रोड सेफ्टी के कार्यक्रम से, तो वहां हमने एक कंपनी है, उसके वो चाइल्ड सीट्स बनाते हैं, तो उन्हीं के एक एम्प्लॉय से मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि जब वो चाइल्ड सीट्स बना रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं, बट जब उनका ही बच्चा था तो उन्होंने चाइल्ड सीट खरीदने की जब बात सोची तो उन्हीं के पापा ने उन्हें बोला कि नहीं नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना हमें स्ट्रांग बनाना है तो क्यों हमें खरीदना है। तो बट वहीं उन्हीं की मम्मी ने उन्हें बोला कि ये छोटा सा बच्चा है और आप पूरी दुनिया को सेफ्टी इक्विपमेंट्स बेच रहे हो, तो आपको खुद से अपने बच्चे के लिए एटलीस्ट खरीदना चाहिए। 2-4 हजार मायने नहीं रखेगा, बट अगर आप इसको सेफ रखना चाहिए। तो आई थिंक बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। और हमने एक सर्वे किया था, जैसे दीपांशु ने बताया, तो हम लोग ने स्कूल्स के बाहर रिकॉर्ड किया कि जब पेरेंट्स छोड़ने आ रहे हैं अपने बच्चों को तो वो खुद से कितनी बार हेलमेट पहन के आ रहे हैं। तो जहां पे वहां पे मेल का रेशियो 26% था 100 में से, वहां पे फीमेल जो मम्मियां थी जो अपने बच्चों को छोड़ने आ रही थी, उनका मोर देन 50% था जो हेलमेट लगा के आ रहे थे। जी हाँ, मजबूती का मतलब रिस्क लेना नहीं है, मजबूती का मतलब नियमों का पालन करना भी है। जो नियमों का पालन करता है वो और मजबूत होता चला जाता है। और महिलाओं की बात जैसे अभी अमर ने भी कर दी, महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, नियमों का पालन भी महिलाएं करती हैं, अपने आप को लगातार सशक्त भी कर रही हैं महिलाएं। ये बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन आपको बताएं कि एक महिला का सशक्त होना एक परिवार का सशक्त होना है, एक समाज का, एक देश का सशक्त होना है। और ऐसी महिलाएं जो न केवल खुद को इंपावर करती हैं बल्कि दूसरी महिलाओं की भी मदद करती हैं, वो वाकई ही सराहनीय हैं और शुभकामनाओं की पात्र हैं। जी हाँ, समाज के हर वर्ग का, हर उम्र का, हर जेंडर का सहयोग होना बहुत जरूरी है यदि समाज का हमने विकास करना है। ऐसी ही एक एनजीओ के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। दीपांशु, चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे, पैदल यात्री वो सोचते हैं हमारा तो कोई कसूर नहीं है, उनके लिए भी नियम है सड़कों पर?
काफी नियम है जिसका उनको पालन करना चाहिए पर नहीं करते हैं। अधिकतर चीजों में इसीलिए बता दिया जाता है कि बाइक बाइक चालक की गलती थी, कार चालक की गलती थी, पर पेडेस्ट्रियन का भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक चीज जो हम आजकल देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत बहुत सरल बना दिया दुनिया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है मोबाइल फोन जिसका हम यूज आजकल रोड पे बहुत ज्यादा करते हैं। चलते हुए लोग हम ईयरफोन लगा के चलते हैं, हम फोन पे बात करके चलते हैं। माना टाइम की आजकल कमी हो गई है पर हमें काफी सतर्क रहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का यूज भी सही तरीके से करना चाहिए। सड़क पे आप ईयरफोन लगा के चल रहे हैं, टाइम बचाने के लिए बात कर रहे हैं, तो वो जान लेने से ज्यादा कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। अमर, अपने जीवन के महत्वपूर्ण 5 साल दिए हैं इस एनजीओ को, कहाँ लगते हैं कि खड़े हैं आज? सबसे अच्छा इस बात से लगता है कि काफी युवाओं को हमने प्रेरित किया है कि रोड सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, एंड वो सिर्फ ये ना समझे, मतलब इसी के प्रचारक बने, आस पास जाके अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को बताएं। और एक चीज जो हमने सबसे बढ़िया किया है, कैंपेन आई सेफ के नाम से जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम कर रहे हैं रन, उसमें युवाओं को हम कहते हैं कि आप जिस फील्ड में भी अच्छे हैं आप उस फील्ड में आके रोड सेफ्टी में काम करिए, चाहे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो, एज अ डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो हर चीज में अभी जरूरत है रोड सेफ्टी के सेक्टर में। आप अपना जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं आइए और इसमें कंट्रीब्यूट करिए। जी हाँ, तरक्की बहुत मुबारक है, लेकिन बहुत जरूरी है कि जल्दबाजी से हम बचें, आगे बढ़ें लेकिन आगे के रास्ते की रोशनी को जरूर देख लें। एक ट्रैफिक सिग्नल पर मैंने नोट पढ़ा था, बी मिस्टर लेट बट नॉट लेट मिस्टर, इन पंक्तियों को याद रखें। अमर, दीपांशु, अपना समय देने के लिए और जो समय आप हमारे देशवासियों को दे रहे हैं अपने करियर के दौरान, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। इसी के साथ गुड इवनिंग इंडिया की पूरी टीम आपसे इजाजत लेगी। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन।